सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है न्यूज वाला। सो गाइस, आज की समय पहले अपडेट पे चलते हैं। सो गाइस, आज समय पहले बात करने जा रहे हैं हम रणवीर और आलिया भट्ट के बारे में। सो गाइस, अभी हाल ही में आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ डाला था बेबी गर्ल के लिए। सो गाइस, वो क्या डाला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने डाला, एंड इन द बेस्ट न्यूज ऑफ आवर लाइव्स, आवर बेबी इज हियर एंड व्हाट अ मैजिकल गर्ल शी इज। वी आर ऑफिशियली बर्स्टिंग विद लव ब्लेसिंग एंड ऑब्सेस्ड पेरेंट्स लव आलिया एंड रणवीर। सो गाइज, ये उन्होंने मतलब अपनी बेबी के लिए बोला है, जो उनकी बेबी गर्ल है उन्होंने अपने बच्चे के लिए बोला है। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अमन दत्तरवाल के बारे में। सो गाइज, एक यूट्यूबर है स्ट्राइवर, उनके अगेंस्ट मतलब अमन दत्तरवाल ने एक लीगल एक्शन लिया था। सो गाइज, वो बहुत पहले लिया था, मतलब दो तीन दिन हो गए, थोड़े दिन हो गए। तो उसके ऊपर अभी अमन दत्तरवाल ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में कुछ कहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जुडिशरी ने ये विक्ट्री प्रमाण पत्र दिया है, जो भी उन्होंने गलत और झूठे इल्जाम लगाए, गलत गलत चीजें पोस्ट करी, उस चीज को दिल्ली हाई कोर्ट ने डाउन कराया है लास्ट में। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, अब गाइस इसी के ऊपर एक थोड़ी सी और बात कर लेते हैं अमन दत्तरवाल के ऊपर। सो गाइस, अमन दत्तरवाल के जो मतलब इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स हैं वो कितने सारे छोड़ के चले गए, पर उनमें से एक और टीचर ने उन्हें एक्सपोज कर दिया, मतलब जो अभी भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पे उन्होंने एक्सपोज कर दिया। उनके ऊपर एक और वीडियो बनाई है, एलिगेशन लगाए बहुत सारे, वो आप वीडियो क्लिप देखें, वो वीडियो क्लिप भी मैं आपके सामने लगा देता हूँ। 200 एम्प्लॉयज में से मैं आखिरी तक खड़ा हूँ, मैं आखिरी में हूँ अभी। पता नहीं मुझे कि कल मुझे निकाल दिया जाएगा या फिर ये मेंटल टॉर्चर के कारण मुझे छोड़ के जाना पड़े। क्यों गए हैं 200 लोग? क्या सारे के सारे खराब थे? पूरी दुनिया खराब है, आप ही अच्छे हो? जब आपके दिमाग में, आपके अंदर उस एम्प्लॉय के लिए जो 200 के बाद में आखिरी बचा हुआ है उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसके लिए आपके पास 2 महीने में 5 मिनट नहीं है, तो क्या मेरे दिमाग पे कोई मेंटल प्रेशर नहीं आ रहा है? टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी लग रहा है कि मैंने भी रुक कर गलती की है, मैंने भी उन एम्प्लॉयज के साथ चले जाना चाहिए था जो सब लोग जा रहे थे। सही किया उन्होंने, समझदार थे वो, मैं बेवकूफ बन गया। आया मैंने काम करके देखा इनके साथ और मुझे समझ में आ गया कि इनके साथ कोई काम नहीं कर सकता, टॉर्चर करते हैं ये लोग। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एलविश यादव के बारे में। सो गाइज, आप एलविश यादव को तो जानते होंगे, उनकी जो मतलब ब्रेकअप के ऊपर बात चलती थी पहले, मतलब ब्रेकअप हो गया उनका, जैसे सब लोग बोलते हैं कि कीर्ति महाराज के साथ वो रिलेशनशिप में थे, तो जब से ब्रेकअप हुआ उनकी वीडियो में भी नहीं आते। सो गाइज, उसी के ऊपर वो अपनी वीडियो में बोले हैं। अभी उनका एक ब्रॉडकास्ट रिलीज हुआ है BU के चैनल पे। सो गाइज, उसकी मैं आपको एक क्लिप लगा देता हूँ, आप देखें उन्होंने क्या बोला है इस बारे में। आप इसको बोल सकते हो पर्सनल सवाल लाइक कीर्ति और आपके बारे में। तो इस पे क्या लाइक अभी देखा जाए तो YouTube के ऊपर काफी चीजें आई थी, आपने भी कुछ किया था, लाइक कीर्ति ने भी कुछ बोला था, तो मैं चाहता हूँ उस चीज को आप थोड़ी सी वो इमेज क्लियर करो, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज होती है जिसको लोग बाग बड़े गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं और वो चीज गलत डायरेक्शन में लोगों ने ली है। भाई क्या सुना आपने, तो बता दो पहले, मेरे को सुनाई नहीं दिया कुछ भी कि ब्रेकअप हो गया या अलग हो गए या समथिंग कुछ ऐसा। भाई ब्रेकअप तो मेरा हुआ ही नहीं आज तक कभी, क्योंकि मैं था नहीं ना कभी किसी के साथ। अच्छा, ब्रेकअप तो हुआ नहीं, प्लस एक मैंने जितना भी देखा है ना, मतलब एक चैनल है कोई डेली न्यूज समथिंग ट्रेंडिंग करता है। हाँ। भाई वो मेरे ऊपर ही डालता, उसका कॉन्टेंट ही मैं ही हूँ, मैं और वो जो भी नाम लेता है साथ में, कि भाई ये इनका कुछ हो गया, ये होता है वो होता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और पब्लिक भी नीचे कमेंट करके गाली बकती रहती है उसको कि भाई तुम व्यूज के लिए क्या क्या बोलते रहते, क्योंकि जो वो बोलता है ना वैसा कुछ नहीं निकलता। एलविश ने ये बोल दिया उसके बारे में, उसने बोला एलविश ने धोखा दे दिया, ये कुछ भी, मैं इन सब चीजों। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम थारा भाई जोगिंदर के बारे में। सो गाइज, अभी मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि थारा भाई जोगिंदर एक मूवी बना रहे हैं। सो गाइज, उसी से रिलेटेड वो अपनी एक स्टोरी पोस्ट करे कि वो बहुत खुश है मूवी के लिए, उनका ऐसा वैसा रोल नहीं है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा रोल है उनका, 1.5 घंटे का रोल है, वो इसके बारे में बहुत कुछ बोले हैं, देखिए आप वो क्लिप। थैंक यू सो मच, इतना प्यार सपोर्ट, इतना प्यार सपोर्ट आज तक नहीं मिला हुआ जितना आप लोगों ने मेरे को किया है। सीधी मूवी बॉलीवुड लेवल की, बहुत बहुत थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू यार। एक गरीब घर का लड़का आज 1 लाख की घड़ी पहन रहा है आप लोगों की सपोर्ट से।
अब से 1.5 साल पहले स्कूटी मांग के वीडियो बनाने जाया करता था और बचपन से ना फिल्म देखा करते थे। मम्मी बोलती थी क्या देख रहा है तू ये, मैंने कहा मम्मी एक दिन मूवी में काम करना है, जब 5 सेकंड का रोल आए। बहुत सपने थे बड़े बड़े, बट मेरी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था कि कोई मूवी लॉन्च हो रही है मैं उसको देखने थिएटर में चला जाऊं। मां कसम मेरे फादर तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, तब मैं 2 साल का था, तब से बहुत ही कंडीशन खराब थी हमारी। बट आज वो दिन आया है आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों ने इतना प्यार किया, सपोर्ट किया कि थारा भाई जोगिंदर एक मूवी करने जा रहा है बहुत ही बड़ी बॉलीवुड लेवल की, और उसमें कोई 5 सेकंड का रोल नहीं है। अगर मूवी 2 घंटे की है ना तो 1.5 घंटे का रोल है, तो मेरा कुछ नहीं है इसमें, जो भी कुछ है आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के प्यार से है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे को नहीं हिंदुस्तान के हर उन बच्चों को सपोर्ट करो जिनको आप लोगों की जरूरत। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज।